भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मृत्यु की समाचार मिलते ही पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई। अपनी आवाज से दुनिया को जीत लेने वाली लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। आज उनकी आत्मा की शांति के लिए पटना के वेद विद्यालय में हवन पूजन किया गया, जिसमें लोजपा नेता कृष्ण कुमार कल्लू सहित कई लोगों ने इस हवन पूजन में हिस्सा लिया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए लोजपा नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा कि लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही, यह काफी दुखद समय है, पर वह सदा हमारे बीच अपने गानों को लेकर मौजूद रहेंगी। लता मंगेशकर जैसी आवाज आज तक पूरी दुनिया में ना कभी किसी ने सुनी है और ना कभी आगे सुनने को मिलेगी। अब लता जी को हम उनके गानों के रूप में सुनकर उन्हें सदा याद रखेंगे। लता मंगेशकर जी का आज देहांत हो गया, ये अपने देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पशुपति वेद विद्यालय में बाल ब्राह्मणों के साथ हम लोग हवन पूजन कर रहे हैं लता मंगेशकर जी की आत्मा की शांति के लिए। हे प्रभु, हमारे बीच हमारे देश की कोकिला आवाज़ भारत रत्न आज नहीं रही, इनकी आत्मा की शांति प्रदान हो, इसलिए हम लोग हवन पूजन कर रहे हैं। हवन पूजन कर रहे हैं आप लोग क्या? लता मंगेशकर हम जो हमारे बीच नहीं रहे उनके लिए हम लोग हवन शांति पूजा पाठ कर रहे हैं कि उनका आत्मा की शांति हो, जहाँ भी रहे उनका आत्मा की शांति मिले, इसलिए हम हवन पूजन पाठ कर रहे हैं। हम क्या नाम है आपका? अजीत कुमार तिवारी।